प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, सर अब्दुल सत्तार खान यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत. मराठी रायटिंग स्किल एस्से रायटिंग म्हणजे मराठी उपयोजित लेखनमध्ये आज आपण निबंध लेखन करणार आहोत. माझा आवडता सण. आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए. चलिए शुरुआत करते हैं. पहले हम देखेंगे कि निबंध होता क्या है. निबंध लेखन लक्षात ठेवा, एखाद्या विषयावर आपल्याला सुचलेल्या विचारांची योग्य जुळणी करणे म्हणजे निबंध लिहिणे होय. यानी किसी एक मौजू पर, विषय पर, आप अपने टॉपिक पर जो अपने विचार लिखेंगे उसे निबंध कहते हैं. निबंध लेखन करण्याचे कौशल्य मिळविण्यासाठी आपले वाचन भरपूर व सखोल हवे, मनन हवे. एखाद्या दिलेल्या विषयावर निवडक विराज विचारांची सूत्रबद्ध आकर्षक तार्किक व सुसंगत मांडणी करण्याचा सराव नियमितपणे करायला हवा. आणि निबंध लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको आपके अंदर कौशल्य चाहिए, वाचन चाहिए बहुत ज़्यादा, और आपको जो भी विषय आप सोचेंगे उसके ऊपर आपका विचार, उसको सही तरतीब से लिखना, तो ये सब तमाम चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है. और उसकी मश्क भी ज़रूरी है, सराव भी ज़रूरी है. अब वर्णनात्मक निबंध की वैशिष्ट्य क्या है. या निबंधात आपण पहिल्या एखाद्या दृश्यांचे, प्रसंगांचे, पशु पक्षी व व्यक्तींचे वर्णन करायचे असते. यानी इसमें क्या करेंगे, किसी एक मौजू पर, किसी एक प्रसंग पर पशु पक्षी या व्यक्ति के बारे में हम उसका वर्णन करेंगे. त्यासाठी सूक्ष्म निरीक्षण करण्याची आवश्यकता असते. यानी उसके लिए बारीक बिरी से मुशाहिदा करना जरूरी होता है. बारीक सारीक तपशीलासह वर्णन करणे व भावनाचे दर्शन घडवणे आवश्यक असते. बारीक सारीक तरतीब के साथ उसको समझना और उसको सामने लाना, पेश करना, ये जरूरी होता है. या निबंधाची भाषा साधी सोपी पण ओघवती असली पाहिजे. अब जो मौजू पे मजमून लिखेंगे है उसकी जबान साधी होना चाहिए, आसान होना चाहिए और रवा होना चाहिए. ओघवती यानी रवा होना चाहिए. पाहिलेले दृश्य, प्रसंग, व्यक्ती किंवा प्राणी वाचकांच्या डोळ्यासमोर उभा राहील अशी निबंधाची भाषा प्रत्ययकारी असावी. यानी जो भी आप प्रसंग, मौजू जो रहेगा, इंसान रहेगा, जानवर रहेगा, उसके बारे में जो बयान करेंगे तो ऐसा लगना चाहिए वो आपके सामने ही खड़ा हुआ है. या निबंधाची कृती दिली जाईल और ऐसे मौजू के ऊपर एक आपको मश्क दी जाएगी, सरगर्मी दी जाएगी, कृति दी जाएगी, उसे आपने हल करना है. चलिए शुरुआत करते हैं. माझा आवडता सण यानी मेरा पसंदीदा त्यौहार. पुढील पैकी एक विषयावर निबंध लिहा. यानी सवाल कैसा आएगा, दिए गए मौजूआत में से किसी एक मौजू पर आप मजमून लिखिए, निबंध लिखिए. ठड़क मुद्दे, उसमें कुछ मुद्दे दिए जाते हैं. आज हम जो लिखने जा रहे हैं उसका सणाचे नाव, कोणत्या महिन्यात साजरा करण्याचा हेतु, कसा साजरा करतात, कालावधी आणि का आवडतो, ये नुकात की मदद से हम मजमून तयार करेंगे. माझा आवडता सण रमजान ईद. यानी मेरा जो पसंदीदा मजमून है वो रमजान ईद है. भारत देश हा सणाचा उत्सवांचा देश म्हणून ओळखला जातो. भारत देश ये त्योहारों का, उत्सव का देश समझा जाता है. भारत देशामध्ये विविध धर्माचे लोक एकत्र राहतात. भारत देश में मुख्तलिफ मजहबों के लोग एक साथ रहते हैं, त्यामुळे विविध सण साजरे केले जातात. इसीलिए मुख्तलिफ यहाँ पर त्यौहार मनाए जाते हैं. माझा आवडता सण रमजान ईद आहे. मेरा पसंदीदा जो त्यौहार है वो रमजान ईद है. या सणाला उर्दू मध्ये ईद उल फित्र असे म्हणतात. और इस त्यौहार को उर्दू में ईद उल फित्र कहते हैं. साधारणतः या सणाला ईद ही म्हटले जाते. आम जबान में इसे ईद भी कहा जाता है. इस्लाम धर्मामध्ये रमजानचा महिना हा अतिशय पवित्र महिना मानला जातो. इस्लाम मजहब इस्लाम में रमजान का महिना बहुत ही ज़्यादा मुकद्दस माना जाता है. इस्लामी कैलेंडर प्रमाणे हा नववा महिना आहे. इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक ये नववा महिना आहे. संपूर्ण महिनाभर मुस्लिम लोग अल्लाह साठी कड़क रोज़ा धरतात. और पूरा महीना जो जितने मुसलमान होते हैं वो अल्लाह के लिए बहुत ही कड़क रोज़ा रखते हैं. तब्बल एक महीना दिवस भर काहीच खायचे या प्यायचे नाही.
पूरा महीना दिन भर में कुछ भी नहीं खाना है और पीना नहीं है। पहाटे उठून सहेरी करायची व मगरिबीच्या वेळेस रोजा सोडायचा असा क्रम महिनाभर चालतो। सुबह उठकर सहेरी करना है और मगरिब के वक्त रोज़ा खोलना है, ऐसा पूरा महीना चलता है। रमजान महीना पवित्र असल्यामुळे रोज रात्री इशाच्या नमाजनंतर तरावीची नमाज पठण केली जाते। रमजान महिना मुकद्दस है इसलिए रोज रात इशा की नमाज के बाद तरावी की नमाज पढ़ी जाती है। यामध्ये पवित्र कुरानचे वाचन केले जातात और इसमें मुकद्दस कुरान की तिलावत की जाती है। याच महिन्यात अल्लाहकडून कुरान सारखा पवित्र ग्रंथ मोहम्मद पैगंबराच्या हातून धरतीवर उतरवला और इसी महीने में अल्लाह की तरफ से कुरान जैसा बहुत ही मुकद्दस ग्रंथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ज़मीन पर लाया गया। यह संपूर्ण महीनियात मुस्लिम बांधव अल्लाह की इबादत करता और इस पूरे महीने में जितने भी मुसलमान हैं वो अल्लाह की इबादत करते हैं। महीनियाच्या शेवटच्या दिवशी चंद्रदर्शन झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी मोठ्या थाटामाटात ईद साजरी करतात और महीने के आखिरी रोज़ चांद नज़र आने के बाद दूसरे दिन थाट से ईद मनाई जाती है। सर्वजन नवे कपड़े घालून ईदगाहवर नमाज पठन करण्यासाठी जातात और सब लोग नए कपड़े पहनकर ईदगाह पर नमाज पढ़ने जाते हैं। शेवई मिठाई खाऊन एकमेकांना शुभेच्छा देतात। सेवियाँ मिठाई खाकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। आपसातील वैर विसरून शत्रुलाही छातीशी लावणे हा या सणाचा मुख्य हेतू आहे और आपस की मामलात को भूलकर दुश्मन को भी गले लगाना इस त्यौहार का अहम मकसद होता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सर्वच या सनात सहभागी होता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इस त्यौहार में शामिल होते हैं। एक मेकांना शुभेच्छा देतात, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। भारतातील सर्व सण एकतेचे प्रतीक आहे। भारत के सभी त्यौहार इत्तेहाद की अलामत है आणि ईद हा सण राष्ट्रीय एकात्मतेचा प्रतीक असणारा सण आहे। ईद ये कौमी इत्तेहाद की मिसाल बनने वाला एक त्यौहार है। म्हणून मला रमजान ईद हा सण फार आवडतो। इसीलिए मुझे रमजान ईद ये त्यौहार बहुत पसंद आता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।